हेलो गाइस, तो आपके भाई ने एन के अपग्रेड कर ली हैं। आपने कहा था एक ही एन के लेके चल रहे हो, शक्ल वैसी ही है लेकिन एन के चेंज है, मुझे ज़रा अच्छा नज़र आ रहा है। ये ज़रा ज़्यादा काली थी पहले वाली, खैर इनमें थोड़े रंग शंग भी हैं, हम दोनों यूज़ किया करेंगे। एनीवे, आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं हमारा सेटअप। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, मम्मी डैडी स्पैंगुश पॉइंट 2 की सम का बैकग्राउंड, आज हम एक्सपोज करके आपको बताएंगे कि यार इसके पीछे क्या गन छुपा हुआ है। आपको भी पता लगेगा कि भाई इतना ज़्यादा मम्मी डैडी होता नहीं है जितना नज़र आता है। तो लेट्स गो टू द वीडियो। For those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line. Need no face, don't need no phonies, no, no, no. Need no snakes, no, only homies down for show. On go, 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 get a book and get the front and we load up and roll, roll, roll. I got kids, yeah, I got staff, I make a look, need more, more, more. I sell records. बीप। अरे भाई, ये तो शशके वाले एक्सपेक्टेशन वाले सिनेमैटिक होगी कि हर टाइम हमारा सेटअप ऐसा रहता होगा, लेकिन नहीं, हम आपको दिखाते हैं रियलिटी वाले सिनेमैटिक। रियलिटी में क्या हालत होती है हमारे सेटअप की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान खालिद है और आज की वीडियो में हम सेटअप टूर करने जा रहे हैं। तो आज हम एक्सपोज करने वाले हैं अपना सेटअप। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो इतना मम्मी डैडी माहौल बनाया हुआ है, ये कैसे है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से इसको डिस्क्लोज करते हैं ताकि आपको पता लगे कि क्या सीन होता है। सबसे पहले मैं बत्तियां ऑन कर लूँ क्योंकि बत्तियां बुतियां बंद है भाई, नेरा गुप किया हुआ है हमने। नेरा करके शक्ल पर हम सिर्फ नूर डालते हैं ताकि हमारी शक्ल प्यारी लगे। तो सबसे पहले तो हम बत्तियां बंद करते हैं और बत्तियां बंद करने के लिए ये रिंग लाइट है जो मेरे मुंह पे रंग बिरंगे कलर डाल के नूर को थोड़ा आरजीबी कर देती है। तो अब हम बत्ती डालते हैं। तो अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है क्योंकि ऊपर वाली बत्तियां ऑन हो गई हैं। उसके अलावा मेरे मुंह के ऊपर जो इतना नूर आपको नजर आ रहा है, ये रोजों की वजह से नहीं है, ये सॉफ्ट बॉक्स की वजह से है जो लाइट मैं अपने बूथे के बिल्कुल सामने लगाता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा उतार के। ये चेक करो, ये सॉफ्ट बॉक्स हमने अपने मुंह के सामने लगाया होता है और यहाँ पे ट्राईपोड रखा होता है। पहले ट्राईपोड यहाँ पे नहीं होता था, वहाँ पे पीछे में कॉटन रखता था ये वाला, लेकिन आजकल मैं लेंस दूसरा यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुंह के सामने रखना पड़ता है मुझे ट्राईपोड, ठीक है। और यहाँ पे ये मुंह के सामने पड़ा होता है सॉफ्ट बॉक्स और यहाँ पे ये चेयर पड़ी होती है। पीछे वो सिस्टम ऑन होता है, बत्तियाँ शत्तियाँ ऑन होती हैं। यहाँ पे ये रिंग लाइट मेरे मुंह पे जो मेरे नूर को आरजीबी करने के लिए कन्फर्म जनती रिंग लाइट लगाता हूँ मैं। और जो पीछे इसी तरह वो बस गंद बला पड़ा रहता है, मैं उसको छेड़ता नहीं हूँ। वैसे सॉफ्ट बॉक्स पीछे नहीं होता, उसको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि पीछे ना काला काला माहौल आ जाए। बीप। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लें, कहाँ से स्टार्ट किया जाए मुझे बताएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर से। तो हेयर इज अवर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले हमारे आपके भाई के सिस्टम की जो डिटेल्ड वीडियो है वो तो अपलोडेड है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर केस है जो कि कूगर कंकर की फर्स्ट कॉपी है। ये केस कॉपी है, सिस्टम के अंदर चीज़ें ओरिजिनल है सारी, क्योंकि ओरिजिनल केस 70,000 का था, ये 20,000 का था। तो हमें क्या लगे भाई केस ने कौन सा FPS देने हैं गेम में।
तो इसके अंदर 1660 Ti GPU लगा है, फुल शश के असूस ट्रिक्स, आए हाय 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 हाय। अभी बेटा ये लाख रुपए का भी नहीं मिलता, हमने 50,000 का लिया था। और ये इसके पीछे बैक प्लेट डड्डू चार्जर का लोगो, और इसी तरह यहाँ पे भी डड्डू चार्जर का लोगो। ये फुल RGB है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से हम RGB कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल सिस्टम है भाई पूरा, हम RGB कंट्रोल कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। खुल जा। चलिए जब तक खुलता है, तो इसके अलावा इसमें 16 GB RGB ट्राइडेंट जी की रैम है। ये अबे जूम हो जा फोकस, ये तेरी आय हाय हाय। RGB केबल्स जो कि मैंने AliExpress से ली थी, लेकिन अगर आपने मेरे सिस्टम का कंप्लीट वीडियो देखनी है ना, तो यार यहाँ पे ऊपर कोने में लिंक आ जाएगा, उस लिंक में जाके आप मेरी कंप्लीट PC बिल्ड की वीडियो देख सकते हो। और ये कस्टमाइज केस मैंने खुद बनाया था, इसको मैंने कस्टम कैसे किया, ये साइबर पिंक के सस्के मैंने कैसे बनाए हैं, ये सारा आप मेरी उस वीडियो में, एक और वीडियो अभी जो आ रहा है ऊपर लिंक, ये वाली सॉरी अबे मेरे उंगल ही नहीं फोकस हो रही, क्या है यार, उंगल फोकस हो जा। ये यहाँ पे जो अब लिंक आ रहा है ना, ये कस्टमाइज केस की वीडियो है, और जो पहले आया था वो पूरे बिल्ड की वीडियो थी, ठीक है। LCD मेरे पास यार 6,000 रुपये वाली है, नॉर्मली IPS भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने ऑफिस वालों की दबाई हुई थी, ऑफिस वालों ने वापस ले ली थी, HP 24 थी मेरे पास, 24F, तो अब हम इस पे गुजारा कर रहे हैं। अभी ये मैंने उसको वापस दे के अपनी न्यू LCD लेनी है। वेबकैम मेरे पास है, माइक है BM800 विद फैंटम पावर सप्लाई, लेकिन पावर सप्लाई XOX एक चाइनीज ब्रांड है उसकी लगी हुई है, माइक भी वही है, लेकिन ये बेसिकली BM800 माइक है। ये देखिए इसके टोपा अगर उतार दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि टोपी उतरने के बाद ये अंदर BM800 है। इसको टोपी को वापस लगा देते हैं, क्योंकि माउस मैंने अभी रिसेंट लिया है, लॉजीटेक हीरो 502 हीरो, जो कि तकरीबन 10,000 का माउस है, लेकिन आपके भाई को 5,200 का मिला है, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं ना यार, सस्ती चीज़ें अरेंज कर लेते हैं। कीबोर्ड मैंने फिनिक्स टेक वालों से लिया था 2,000 रुपये का, इसमें बस यहाँ पे और यहाँ पे बतियाँ ब्राए नाम इनको कह लें, बाकी यार कीबोर्ड ये मैकेनिकल है, ब्लू कीज़ के साथ है, अच्छा कीबोर्ड है, तो अभी ये मैच नहीं कर रहा मेरे की सिस्टम के साथ। ओहो यार ये मैच नहीं कर रहा, अभी मैच करते हैं इसको, ये चेक करो, तुम्हारे भाई ने कीज़ मंगवाई हुई है इसको मैच करने के लिए। तो पहले हम कीबोर्ड को मैच कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो देखेंगे, तो लेट्स गो। For those who surround you need no funny kind. You can't see what's on my brain. I live inside my mind. हाँ तो गाइस, कीबोर्ड को हमने बटन लगा लिए हैं, बिल्कुल हमारे सिस्टम के साथ मैच हो गया है, फुल टना टन सिस्टम हमने कर दिया, लेकिन स्पेस का बटन नहीं लगा क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज है। ये कीज़ मैंने मंगवाई थी AliExpress से तकरीबन 1200 रुपए की, और 2000 का कीबोर्ड लिया था, तो 3000 रुपए में एक शशके वाला कीबोर्ड मैचिंग सिस्टम के साथ, तो यह इट्स गुड। LCD का मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यार ये स्ट्रिंग मैंने इसलिए रखी है यार, यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, तो जब बिजली जाती है तो ये मैं पी के फिर अपने अंदर बिजली पैदा करता हूँ, और फिर अपने जो उंगलें हैं वो मैं सिस्टम के पिछवाड़े में तुनता हूँ, तो ये ऑन हो जाता है, और फिर हम UPS के बगैर गेम खेल सकते हैं। और ये जो माइक है इसका भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आ जाता है पंखे को बाद में करेंगे, ये AC है, पंखा नहीं है भाई, हमारे लिए तो AC है। एनीवे, टेबल की बात करें तो यार ये टेबल है, ये पुराना ब्राउन कलर का टेबल होता था, तो उसको मैंने खुद ही रीन्यू किया था, रंग शंग मार के ये आगे बॉर्डर पे टेपे शेपे लगा के, अभी ये टेपों का भी बेड़ा गर्क हो गया है, यहाँ पे ये रेप होता रहता है इनका। खैर, तो उसके बाद ये नीचे हमारी स्टोरेज है, यहाँ पे हम केक शेक ला के रखते हैं, और यहाँ से खाते हैं, और यहाँ से खा के यहाँ पे सूट देते हैं, और यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल डस्टबिन है, और ये इतना बड़ा डस्टबिन है कि अगर 1.5 साल का भी कचरा मैं इसमें फेंकूंगा तो ये फुल नहीं होता, तो ये गेमर्स के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने टेबल के साथ थोड़ी सी जगह खाली कर लें, तो आपको ये मुफ्ते में मिल जाएगा, बहुत अच्छा है यार, बहुत खुली जगह है, खुला आप चीज़ फेंक सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। बस सीन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। सॉरी, अभी रोज़ा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पड़ी होती है, मैं खा नहीं सकता, यहाँ पर चीज़ को आपने खाना है, चीज़ को खोलना है, और खाने के बाद यूं करके आपने वहाँ पे फेंक देना है, ठीक है। अभी ये मैं केक उठा लेता हूँ, ये कूड़े में चला जाएगा साथ ही, भाई ये बेक टाइम रफ्तारी के बाद बड़ा काम आता है। खैर, स्टोरेज को रखते हैं इधर।
बीप। अब आते हैं दोबारा हम अपने माउस पैड पे, मेरा आरजीबी माउस पैड, ये इसकी हालत देख रहे हो भाई, ये जो हम चीज़ें खाते हैं केक शेक सब कुछ इस पर मल दिया है मैंने और इसकी बुरी हालत हो गई है। लेकिन ये आरजीबी माउस पैड मैंने एलिएक्सपेक्ट से लिया था तकरीबन 3500 रुपये का और आज तक चल रहा है, अच्छा है, बहुत फिट है। बीप। और फिर आ जाता है हेडफोन, एम्पो EG3 7.1 हेडफोन, ब्रांड टेक .pk ने मुझे ये दिया था मुफ्ते में। तो अगर आपने भी ये हेडफोन ख़रीदना है तो इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे, बल्कि नहीं, इधर ऊपर लिंक, उंगल फोकस हो जाओ, उंगल इधर ऊपर लिंक आ जाएगा, उधर जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट करें, इसका गिव अवे चल रहा है, कमेंट करें और दो तीन दिन में मैं गिव अवे कर दूंगा, इसका अनाउंस करना है, ठीक है। बड़ा मज़े का हेडफोन है यार, साइड से देखो फुल नीला पीला आए हाय हाय हाय, डिसेंट लुक है। और ये जो हेडफोन स्टैंड है ये मुझे भाई ने 3D प्रिंट करके दिया था, तो आपने अगर कोई 3D प्रिंटेड की सर्विसेज लेनी हैं तो वो नीचे मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप 3D प्रिंटर अगर लेना चाहते हैं तो उनसे ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तिजोरी, ये हमारी तिजोरी है, पैसे चेक कर रहे हो भाई, बहुत अमीर हूँ मैं, हाँ ये भी किसी के पैसे हैं। खैर ओ ये क्या है जराब, इधर क्या कर रही है, व्हाट द फक, अरे भाई ये जराब का इधर क्या काम है मेरे दराज में, हैं अजीब। बीप। और ये हम यहाँ पे ज़रूरी अशिया को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत ही तरतीब से मैं चीज़ें रखता हूँ और जब एक दफ़ा मैं इसमें चीज़ डाल देता हूँ तो दोबारा मुझे कभी मिलती नहीं है, तो इसको फिर मैं यूं करके बंद कर देता हूँ कि ढूंढने के टाइम आने पे है। जमांतरू हम अंदर, पैसों को असल में हम जमांतरू भी बोलते हैं, तो ये जमांतरू हम अंदर डाल देते हैं, बहुत ही सेफ़ है, इसको मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता, जब तक मेरा हाथ नहीं लगेगा ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम पैसे यहाँ रखते हैं। बीप। ये आ जाता है कबट, ये आइटम खुला ही रहता है, बंद ही नहीं होता, इसको पता नहीं क्या मुंह होता है, लकवा हो गए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुला। बीप। ये जो फॉर्म पीछे लगे हुए हैं ये मैंने मंगवाए थे एलीएक्सपेक्ट से, ये फॉर्म के स्टिकर हैं, ये चेक कर रहे हो, ये फॉर्म के स्टिकर हैं पूरा, मतलब के वो टाइलें शैलों वाला सीन नहीं है, तो ये सारे मुझे मिले थे 4500 रुपये के एलीएक्सपेक्ट से, आप अभी भी ले सकते हैं, 2x2 फुट का होता है, दराज से एक मिलता है 3500-4000 रुपये का, तो 10-12 मंगवाएं तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे, हर कलर में मिल जाते हैं। फिर आते हैं हम, ये डिज़ाइनिंग करवाई है, ये हमने बड़ी मशहूर एक ठेकेदार चौधरी साहब हैं उनको बुलाया था, उनसे प्लस्तर बाहर करवाया था, उन्होंने इतना कोई खसी प्लस्तर किया है कि बारिश होने की वजह से ये इतने आला किस्म के आर्टिस्टिक लुक वाले डिज़ाइन बन गए हैं सेम आने से, तो अगर आपने भी ऐसी आर्टिस्टिक लुक बनानी है तो बिल्कुल फारक तरीन बंदे से काम करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेम होए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमरे में डिज़ाइन बन जाएँ। तो उसके अलावा ये सीलिंग है तो ठीक है, ये हमने छुपाया होता है, कैमरे में दिखाता नहीं हूँ मैं रोज़ रोज़। बीप। तो ये जो चेयर है ये चेयर ट्रेंडवुड लाहौर से मैंने ली थी और इसके ऊपर मेरा पिछवाड़ा छप चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें फूल इधर से विच वड़ गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, वो नॉर्मल सी है क्योंकि यार रोज़ इतनी देर बैठना होता है। तो ये जो चेयर है ये मैंने 19,000 में ली थी, लेकिन अभी ये 23,500 की ट्रेंडवुड लाहौर से आपको मिल जाएगी, बड़ी फिट चेयर है, क्वालिटी बड़ी फिट है, इसमें 3-4 कलर आते हैं, उसके अलावा ओए ये पकड़ कैमरा, हाँ इधर लगा, उसके अलावा इसको आप लिटा भी सकते हैं यूं करके, कैमरा थोड़ा नीचे कर रहे, ये लेट भी जाती है, और उसके अलावा इसको वापस ऊपर भी कर लेते हैं, तो ये इसमें मेन फीचर है, बाकी ऊपर नीचे नीचे से भी हो जाती है। हैर फक ऑफ, अब तुम मेरा काम करने दो। बीप। ओ अब बात रहेगी ये फाइनल में, पक ये चेक करो, ये हमारे पास एसी भी है, लोगों के पास होते हैं 1 टन का एसी, 2 टन का एसी, हमारे पास टना टन एसी है, मैं हूँ एसी टन टना टन टन टना टन टन, तो ये टना टन एसी है हमारे पास। उसके अलावा ये गिव अवे की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, गन बला पड़ा हुआ, ये मैंने PS5 के लिए मॉनिटर मंगवाया है, अल्ट्रा 8K का मॉनिटर है। well done, well, well done. और फाइनल में रह गया है कि मैं सिनेमैटिक्स कैसे बनाता हूँ। सिनेमैटिक बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं YouTube पे, सर्च करते हैं कलर बैकग्राउंड, और ये एक वीडियो आती है जो कि आपने मोस्टली मेरी वीडियोस की बैकग्राउंड में देखा होगा, लोग पूछते हैं वॉलपेपर, ये वॉलपेपर नहीं है भाई, ये वीडियो है, ये एक 2 घंटे की वीडियो चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पे हम एक डब्बा रख, कीबोर्ड को हम करते हैं पीछे और यहाँ पे एक हम डब्बा रखते हैं, वेयर इज डब्बा, कोई भी डब्बा, तो वहाँ पे हम एक डब्बा रख देते हैं, ये डब्बा रखने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे शीशा जो कि मैंने अपनी केस का उतारा हुआ है, ये वाला, ये अबे यार शीशा रख दिया, अब ये थोड़ी सी लुक बन गई है लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, तो ये हमारे पास चार्ट पड़ा हुआ है काले कलर का, हम इसको रख देंगे यूं, ये फुल मम्मी डैडी माहौल बन गया है। अब इस मम्मी डैडी माहौल में हम अपनी प्रोडक्ट रखेंगे, विच इज़ यही रख लेते हैं, ये ठीक हो गया। अब हम इस पर RGB शशकर डालने के लिए अपनी फुल टिकटाक वाली रिंग लाइट डालेंगे, ये
फुल, और फिर हम इसको थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग को करेंगे अपने हिसाब से सेट, जैसे कि ये, और फिर हम डिन 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 डिन। इसी तरह मैं अपने सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड करता हूँ, सारे इसी जगह पे रिकॉर्ड होते हैं ये जगह ज़्यादातर। समटाइम्स अगर जगह चेंज करनी पड़ जाए तो उधर टेबल पे भी मैं कर लेता हूँ, और ये अनबॉक्सिंग के लिए जैसे कि यूँ करता हूँ मैं, तो अनबॉक्सिंग के लिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ उल्टा लगा के कैमरा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है भाई, सिनेमैटिक्स ऐसे ही रिकॉर्ड होते हैं। बीप, ये लोहे का दरवाज़ा है, इधर से बाहर छत आ जाती है और हमारा बाहर घर तैयार हो रहा है फुल। तो सीन ये है कि यार दरवाज़ा अभी ऊपर का काम हुआ नहीं है, तो दरवाज़े के होजे बाद में लगेंगे। और ये हमारा है मोर्चे में उतरने की मेन जगह, क्योंकि मैं आता सीढ़ियों वाली तरफ से, तो आगे हमारी मोमटी है और यहाँ पे हमारा स्टोर रूम है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, औजार शार सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो खैर यहाँ से हम, ये हमारी सीढ़ी है जहाँ से हम उतरते हैं, और यहाँ पे चाय गिरती रहती है रात को, रोज़ मेरे लिए चाय आती है, तो वो दो दो तीन तीन कतरे करके वो इतनी ज़्यादा हो गई है। खैर कोई बात नहीं, चलता है, यहाँ पे किसने क्या देखना है, मैं ही होता हूँ। खैर ये हमारी सीढ़ी है, कभी कभी यहाँ पे मेरा पैर भी बच जाता होता है, फिर मैं चीहे मारता हूँ, लेकिन स्टिल मैंने इसको ठीक नहीं किया। यार ये जुराब, अच्छा ये मैंने फेंकी थी, ओ दूसरी जुराब ये पड़ी हुई है, वाओ जोड़ा पूरा हो गया है, ओ यस, प्रीमियम कैल्विन क्लैन। दिस वीडियो स्पॉन्सर बनाए कैल्विन क्लैन। अगर आपने जुराबे लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और कैल्विन क्लैन से ऐसी जुराबे लें जो कि दो दो साल आप धोएं ना तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये चार्जर पड़े हैं यार मेरे कैमरे शैमरे के, और हाँ ये नई ग्लासेस मुझे मिल गई, आए हाय 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 दिखा देता हूँ आपको मुखड़ा भी लगा के। एंड डेडू चार्जर न्यू ग्लासेस हेयर, अब हम इन ग्लासेस को भी इस्तेमाल किया करेंगे। देखा तुमने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लासेस बहुत खूबसूरत हैं और हमें इस तरह की ग्लासेस वैसे भी पसंद हैं। बीप, इसके अलावा आ जाता है दुनिया का टट्टी तरीन इंटरनेट, घटिया तरीन इंटरनेट, फाइबर लिंक, फक यू फाइबर लिंक। यार ये एक तो स्टेबल होता नहीं, इसके ऊपर स्ट्रीमिंग भी नहीं होती, पता नहीं क्या टट्टी सर्विस है इनकी, इनके नेट की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो रावलपिंडी के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा फाइबर लिंक कोई बंदा ना लगवाए, कोई बंदा ना लगवाए, टट्टी तरीन इंटरनेट है ये, घटिया, इससे अच्छा पीटीसीएल लगवा लो भाई, गजब बेइज्जती है। और यह सॉफ्ट बॉक्स, सॉफ्ट बॉक्स के साथ हमने जुगाड़ लगाया हुआ है, जैसे बॉक्स था हमने पीछे होल्डर वाला बल्ब तुना हुआ है, तो अगर हम इसको निकालें तो ये चेक करो ये होल्डर वाला बल्ब है, तो इसको हम यूं करके अंदर तुन देते हैं, गजब बेइज्जती है। तो ये है तिजोरी, ये सोफे के नीचे हमने तिजोरी रखी हुई है, और यहाँ पे हमने बहुत ज़रूरी चीज़, ये देखें ये डिग्रीज है मेरी, तो भाई ये आपके भाई की डिग्रियाँ शिग्रियाँ फुल मार्कशीटें हैं, ये 574 नंबर मेरे मैट्रिक में थे और 575 नंबर मेरे सेकंड ईयर में थे, तो सो ये भाई, और यूँ हम इसके अंदर डालते हैं और ये यूँ करके अंदर फेंक देते हैं। और तो आपने मेरा सेटअप रिव्यू देखो, बहुत ही यूनिक सेटअप रिव्यू किया था, बिल्कुल ही जल्दी जल्दी, और कोई इसमें खास एडिटिंग शेटिंग नहीं थी, लेकिन मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्योंकि कंटेंट नहीं था ना, अच्छा कंटेंट एक ही दफ़ा बना दूंगा तो दोबारा सेटअप रिव्यू कौन करेगा, अच्छे वाला भी करेंगे। लेकिन आज की वीडियो बस शुगल मेले में सेटअप रिव्यू था, आपको मैंने सारा कुछ ऑलमोस्ट बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखते रहें। ओके टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। गर्मी हो गई भाई बड़ी। बीप, सुपर करा सारा कवर सबर कराई सारा, सुपर करा सारा कवर सबर कराई सुपर करा सारा कवर सुपर करा सारा कवर सुपर 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 सुपर